नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मराठी के यशस्वी उपन्यासकार शिवाजी सावंत का सांस्कृतिक उपन्यास मृत्युंजय का 21वां भाग, सूर्यपुत्र महारथी कर्ण की अद्भुत जीवन गाथा। आइए सुनते हैं स्वयं उनकी जुबानी। ये सब बातें मैं अश्वत्थामा के मधुर साहचर्य में सीख पाया था। उसका प्रत्येक शब्द अमृत स्नात सा होता था। उसके पिताजी ने केवल शस्त्रास्त्र और कुछ कठोर सामाजिक नीति नियम ही देखे थे, इनके अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन अश्वत्थामा तो मुझको सर्वगुण संपन्न प्रतीत होता था। मुझको वह जीवन यात्रा का सबसे अधिक अध्यवसायी और सूक्ष्मदर्शी, फिर भी अत्यंत विनम्र यात्री लगता था। वह वीर योद्धा था, स्नेही मित्र था, आज्ञाकारी पुत्र था, प्रकृति का रसिक उपभोक्ता था। आसपास की छोटी मोटी बातों की जीवन से सतर्क संगति उसने कितनी सूक्ष्मता से बैठाई थी। उसके मौन के कारण कुछ लोग उसको कुंठित क्षितिज वाला कहते थे, लेकिन मैं यह नहीं मानता था। भला अश्वत्थामा कुंठित क्षितिज का कैसे हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो उसका कोई क्षितिज था ही नहीं। चारों ओर का असीम क्षितिज उसके अनेक विध व्यक्तित्व में सरलता पूर्वक समा ही नहीं गया था क्या? मैंने उसको अत्यंत निकट से देखा था। मुझसे उसने अनेक बार घंटों तक बातें की थी। कुछ लोग कहते थे कि गुरु द्रोण ने उसको अपना विकास करने के लिए उपयुक्त अवसर कभी दिया ही नहीं। वे कहते थे कि वह गुरु द्रोण के विराट व्यक्तित्व के वट वृक्ष की छाया में कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ा था। कितने अन्यायपूर्ण और एकांगी विचार हैं यह। इस राजनगरी में सच्चे अर्थों में अश्वत्थामा को कोई समझ ही नहीं सका था। मुझको तो उसका नितांत भिन्न और स्वतंत्र अस्तित्व स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस हस्तिनापुर में मुझको अन्य कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया था जिसका व्यक्तित्व अश्वत्थामा के व्यक्तित्व की तरह विलक्षण और स्वतंत्र हो। कभी कभी तो वह मुझको गुरु द्रोण से भी अधिक श्रेष्ठ लगता था। हिमालय के धवल शिखर जैसा ऊंचा, गंगा के पात्र की तरह विशाल। एक बार मैं प्रातःकाल गंगा तट पर जाने के लिए निकला। मार्ग में मुझको अश्वत्थामा मिल गया। देह पर शुभ्र उत्तरीय डालकर वह जल्दी जल्दी जा रहा था। सद विकसित कमल की तरह उसका चेहरा प्रसन्न और प्रफुल्ल था। उसके हाथ में औदुम्बर की समिधा थी। शायद वह प्रातःकाल का हवन करने जल्दी जल्दी युद्धशाला की ओर जा रहा था। उसको देखते ही मैंने रथ रोक दिया। राजा होने के बाद मैं रथ द्वारा ही गंगा तट पर जाता था। वैसे तो मेरे रथ का सारथ्य शोन किया था, किंतु गंगा तट पर मैं अकेला ही जाता था। घोड़े रोकते ही मैंने अश्वत्थामा से कहा, अलभ्य लाभ गुरुपुत्र, तुम्हारे दर्शन से अब मेरा पूरा दिन बड़े आनंद से बीतेगा। जिसके मिलने की कोई आशा न हो, ऐसे दुर्लभ अतिथि से शायद आज भेंट भी हो जाए। वह सहज हंसता हुआ बोला, मेरे दर्शन तुम्हारे लिए इतने शुभ हैं क्या? तो फिर मैं प्रतिदिन ही गंगा की ओर जाने वाले तुम्हारे इस मार्ग पर आकर बैठ जाया करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे दर्शन शुभदायक हैं यह निश्चित है। मेरे साथ गंगा तट पर चल रहे हो क्या? मैंने उससे प्रश्न किया। नहीं कर्ण, अब हवन का समय होता जा रहा है, मुझको जाना ही चाहिए। कम से कम ये संविधाएं तो समय पर पहुंचानी चाहिए। हाथ में लगी संविधाओं की छोटी सी गठरी ऊपर करता हुआ वह बोला, बस इतनी सी बात है ना, तो चलो तुम्हारी संविधाएं युद्धशाला में पहुंचाते हुए ही हम लोग गंगा तट पर चलते हैं। आओ रथ में आ जाओ, मैंने उससे आग्रह किया। वह मेरी बात टाल न सका, वह रथ में चढ़ा। हम लोग युद्धशाला की ओर चल दिए। पक्षियों का कलरव शुरू हो गया था। रथ के चक्र के साथ ही मेरे मन में स्मृतियों के अनेक आवर्त घूम रहे थे। मेरा अपना अनुभव तो यह है कि गति और स्मृति में आपस में अवश्य कोई गूढ़ संबंध है, नहीं तो गतिमान वाहन में स्मृतियों की इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो जाती है? मुझको तात अधिरथ की याद आई, इसीलिए मैंने गुरुपुत्र से पूछा,
पिता पुत्र के नाते के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं? स्पष्ट करना, उसने स्वाभाविक ढंग से कहा। सूर्य का प्रतिबिंब नदी के जल में पड़ता है, ऐसे ही पिता का अपने पुत्र पर पड़ा करता है। जीवन अनंत है, पुत्र के रूप में मानो पिता ही पुनः जन्म ग्रहण करता है। जन्मदान का यह अखंड क्रम सृष्टि के आदि काल से इसी तरह अटूट चला आ रहा है। अच्छा, तुम्हारा अपना क्या अनुभव है? मेरा कर्ण, मेरा एक अत्यंत प्रखर अनुभव है, लेकिन वह मैंने किसी को बताया नहीं। इतना योग्य व्यक्ति मुझको आज तक कोई मिला नहीं है। आज तुमको अवश्य बताऊंगा मैं वह। यदि ऐसी बात है तो अपना वह प्रखर अनुभव अवश्य बताओ, वह ऐसी आवाज में बोला जैसे कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त रहस्य बता रहा हो। मेरे पिताजी ने कौरव पांडवों को सारी युद्ध विद्या सिखाई है, यह तुम जानते ही हो। लेकिन उन्होंने इस बात की पूरी सावधानी रखी है कि वह पूर्ण रूप से उनके हाथ में ना पड़े। धनुर्धर के रूप में प्रसिद्ध अर्जुन को भी उन्होंने कुछ दिन अंधेरे में रखा था। कैसे? यह सुनो, अर्जुन को छोटे गले का एक जलपात्र देकर मेरे पिता उसको प्रतिदिन पानी लाने के लिए गंगा तट पर भेजते थे। सबको यह काम करना पड़ता था, लेकिन मुझको वे बड़े गले का जलपात्र देते थे। इस कारण मैं झट से सबसे पहले जल लेकर युद्धशाला पहुंच जाता था। पांडव और कौरवों के आने से पहले ही पिताजी मुझको एक महान अस्त्र नारायणास्त्र की शिक्षा दे देते थे। तो तुम नारायणास्त्र जानते हो? हाँ, बाद में अर्जुन भी उसको जान गया। पिताजी की वह युक्ति उसने जान ली, उसने उनके पीछे पड़कर वह नारायणास्त्र जान लिया। हम दोनों के अतिरिक्त और कोई उसको नहीं जानता। तो इससे पिता पुत्र के नाते के संबंध में तुमने क्या निष्कर्ष निकाला है अश्वत्थामन? अंत में मैंने उसको अपना मूल प्रश्न याद दिलाया। यही कि पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता है, आवश्यकता होने पर असत्य भी बोल सकता है। लेकिन भले ही हम दोनों को नारायणास्त्र मिल गया हो, फिर भी धनुर्विद्या में दक्षता तुमने प्राप्त की है, वह हम नहीं प्राप्त कर सके हैं। कर्ण, तुमको यह किसने सिखाया? उसने मुझसे ही उल्टा प्रश्न किया। अर्थात मेरे पिता नहीं, अश्वत्थामा, मैं एक सूत पुत्र हूं, मुझको अन्य कोई कैसे सिखा सकता है? पिता पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता है ना? तो यही समझ लो कि तात अधिरथ ने ही मुझको सब कुछ सिखाया है। तुम्हारे पिता धन्य है कर्ण, वह मेरे कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। इतने में ही पूर्व दिशा प्रकाश से भर गई, सूर्यदेव अंधकार का पट फार कर ऊपर निकले। बातों ही बातों में हम युद्धशाला के पास आ गए। एक ऋषि कुमार को अश्वत्थामा ने अपने हाथ की संविधाएं दे दी। हम दोनों ही फिर गंगा की ओर चलने लगे। सदा मैं अकेले ही जाया करता था, आज हम दोनों थे। मेरे मन में नारायणास्त्र चक्कर लगा रहा था। थोड़ी देर में ही हम गंगा पर आ गए। नित्य कर्म के लिए मुझको आज थोड़ी सी देर हो गई थी। प्रतिदिन मैं सूर्योदय से पहले कमर तक पानी में खड़ा हो जाता था। आज सूर्योदय हो जाने पर भी मैं पानी से बाहर था। मैं जल्दी जल्दी रथ से कूद पड़ा, अश्वत्थामा भी नीचे उतरा। प्रातःकाल की विहस्ती स्वर्ण किरणें चारों ओर स्वच्छंद फैली हुई थी। सूर्य किरण देखकर मुझको इस बात का सदैव बड़ा दुख होता है कि वे आकार रहित हैं। यदि वे साकार होती तो मैं उनको यथेष्ट मात्रा में ग्रहण कर लेता। यदि उनमें सुगंध होती तो मैं उनको जी भर कर सूंघता। यदि वे किरणें मनुष्यों की तरह बातें कर सकती तो मैं उनसे घंटों बातें करता रहता, और इतने पर भी सदैव अतृप्त ही रहा होता। मुझको ऐसा क्यों लगता था या बताने में मैं असमर्थ था, लेकिन ऐसा लगता था यह सत्य है। कर्ण, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, जीवन असीम है। इस गंगा के किनारे पर आकर मुझको उसकी तीव्र अनुभूति हो रही है। अश्वत्थामा नीचे उतरते ही मुझसे बोला, सो कैसे? सुनहली किरणों से दमकते हुए उसके मुख की ओर देखकर मैंने उससे पूछा।
जल में परावर्तित होकर कुछ किरणें हिलती हुई उसके गोल मुख पर पड़ रही थी। इससे उसके पहले से ही तेजस्वी काली आंखें एक विलक्षण तेज से चमक रही थी। वह देखो, परले किनारे पर हरी घास पर ओस की कितनी बूंदें चमक रही हैं। परले किनारे की ओर उंगली से संकेत करते हुए उसने सहज भाव से कहा, हां मैं बोला, कल रात यहां उमा शंकर आए होंगे, उन्होंने आंख मिचौली खेली होगी। उस खेल में उमा के गले की मोतियों की माला टूट गई होगी। खेल समाप्त होने पर अचानक उमा का ध्यान उसगर गया होगा। आप सदा ऐसी ही आपाधापी करते हैं, यह कहकर उन्होंने शंकर को प्यार भरा उलाहना भी दिया होगा। इतने में ही प्रातः काल हो गया होगा। घबरा कर जितने मोती हाथ लगे उतने ही जैसे तैसे समेट कर पौ फटने से पहले ही अपने पति का हाथ पकड़ कर वे पलायन कर गई होंगी। उस समय जो मोती शेष रह गए थे वे ही अब चमक रहे हैं। ओश की ये बूंदे उमा शंकर का रहस्य प्रातःकाल की इन सुनहली किरणों को हंस हंस कर बता रही है। अपनी कल्पना से स्वयं ही आनंदित होते हुए मैंने उसकी ओर देखा। नहीं कर्ण, तुम भूल रहे हो, उमा शंकर कैलाश छोड़कर यहां क्यों आने लगे और उन जैसे भंगेड़ी पति के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाली उस बेचारी उमा के पास, आभूषण रहित उमा के पास मोतियों की माला भला कहां से आएगी। चमकती हुई ओश की उन बूंदों की ओर एकटक देखता हुआ वह शांत भाव से बोला, तो फिर तुम ही बताओ कि ये ओश की बूंदे क्या है। कर्ण, ओश की ये बूंदे मनुष्य के जीवन का उत्कृष्ट प्रतीक है। अरे ओश की बूंदे ही क्यों, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु विधाता ने मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए ही बनाई है। हाँ, बस मनुष्य की आंखें खुली होनी चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, तभी वह यह जान पाएगा कि संसार विधाता की एक भव्य और अखंड पाठशाला है, और तभी वह विश्व सृष्टि का वास्तविक रहस्य जानने के लिए उत्सुक एवं जिज्ञासु शिष्य बन सकेगा। अश्वथामा, पहले तुमने एक बार मनुष्य के जीवन को श्रीफल जैसा बताया था, मुझको अब भी याद है। अब तुम कह रहे हो कि ओश की बूंदे भी मनुष्य के जीवन का प्रतीक ही है, इस बात का तनिक स्पष्ट करोगे क्या। देखो कर, ओस की बूंदें ये कहां से आती हैं और कहां जाती हैं यह कोई जानता है क्या। मनुष्य की भी यही दशा है, वह कहां से आता है और कहां जाता है यह कोई भी नहीं बता सकता। और आगे सुनो, यह कैसा है, ओस की ये बूंदें किसी की प्रकाश लेकर चमकती हैं और ऐसी लगती हैं मानो प्रत्येक बूंद एक छोटा सा अलग सूर्य ही हो। ओस की चमकती हुई ये बूंदे हवा के झोंके के साथ मंद मंद झोंके खाने लगती हैं। उनके पास जो प्रकाश किरणें होती हैं उनको अपने से दूर फेंकती हैं, अपनी ओर देखने वाले को आह्लादित कर देती हैं। परंतु तनिक जोर की हवा आते ही ये प्रसन्न ओश की बूंदे असंख्य जल बिंदु होकर नीचे मिट्टी में ही विलीन हो जाती है, चू तक किए बिना, बिना किसी आक्रोश के। मनुष्य भी ठीक ऐसा ही है, एक ही परमेश्वर के असंख्य रूप में घूमने वाले ये जीव हैं। अरे इनमें से कुछ जीव तो इतने दिव्य होते हैं कि साक्षात परमेश्वर ही प्रतीत होते हैं। ये सब अपना जीवन बिताते हैं, पुरुषार्थ की किरणों से जगत में प्रकाश भरते हैं, सुख के क्षणों में आनंद से झूमते हैं और मृत्यु की आहट सुनाई देने पर चुपचाप उसके अधीन हो जाते हैं। पीढ़ियों से यही होता चला आ रहा है। पहले दिन मिट्टी में मिली हुई ओस की बूंदे दूसरे दिन तृण पर्णों पर जैसे फिर तैयार हो जाती है, उसी प्रकार मृत मनुष्य नई पीढ़ी के रूप में फिर तैयार हो जाते हैं। जीवन असीम है, सदा यह बात मैं क्यों कहता रहता हूं यह तुम अब जान गए होगे। तुम सच कह रहे हो अश्वथामा, परंतु कुछ लोगों की ओर देखने पर उनका जीवन तुम्हारे कथनानुसार ओश की बूंदों जैसा होगा ऐसा नहीं लगता। उनको कभी सुख के हिंडोले पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, वे कभी कोई पराक्रम नहीं करते, जीवित होते हुए भी वे मृत होते हैं।
तुम्हारे इन विचारों में उनका क्या स्थान होगा। जीवन को ओश की बूंदों की उपमा देकर तुमने अपनी सौंदर्य दृष्टि प्रकट कर दी है, परंतु जीवन इतना सहज सुंदर नहीं है, इतना सरल नहीं है। नहीं कर, तुम जिन लोगों के बारे में बात कह रहे हो वे भी ओश की बूंदों जैसे ही होते हैं। अंतर यही है कि ये बूंदें तृण पर्णों की दूसरी ओर चिपटी हुई होती हैं। सूर्य की दिव्य किरणें उन तक पहुंचती ही नहीं है, वे प्रकाश से वंचित रहती हैं। अज्ञान के घने अंधकार में पड़ी हुई होती हैं वे बूंदें। और संसार में कितना क्रूर अज्ञान है, उतनी क्रूर तो मृत्यु भी नहीं होती। आह, तो ओश की उन बूंदों को प्रकाश कब मिलेगा? ऐसे लोगों के जीवन में सूर्य कब चमकेगा? पराक्रम के उत्तुंग पर्वत वे कब खड़े करेंगे? मृत्यु की देहरी पर जो अज्ञान में भटकते रहते हैं, उनको मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कोई सहज निष्पक्ष और सत्य प्रिय गुरु मिल ही नहीं सकता। उनकी मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है, तो फिर उनको जल्दी ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए, यही कहना चाहते हो ना तुम? कदापि नहीं। जिस जीवन को प्राप्त करना हमारे अधिकार में नहीं है, उसको गंवाने का भी अधिकार किसी को नहीं है। आत्महत्या का अर्थ है भावुक मन का आत्मा पर किया गया घोर अत्याचार। तो फिर ऐसे लोग आखिर क्या करें? मरने तक केवल जीते रहे या मृतवत जीते हुए जीवन यापन करने का झूठा ढोंग रचे? नहीं, ऐसे लोगों को सहनशील अब धरती की ओर देखना चाहिए, उसकी तरह असंख्य आघात सहन करने की अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। शारीरिक, सांपत्तिक और लौकिक नहीं, बल्कि आत्मिक, और उसके बाद ही उचित समय आने पर अनंत में विलीन हो जाना चाहिए। आत्मा के संक्रमण के अनुभव समृद्ध करके जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि काल अखंड है। जीवन भीख मांगने से मिलने वाली वस्तु नहीं है। जीवन वह अखंड यात्रा है जो अनंत से अनंत की ओर चलती रहती है। मैं भावाभिभूत होकर एकटक उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों से जैसे ज्ञान की चिंगारियां निकल रही थी, फिर भी वह शांत लग रहा था। मुझको जल में उतरने में देर हो गई है, यह भी ध्यान मुझको नहीं रहा। उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज से मैं उससे बोला, मित्र, मेरा मन कभी कभी परस्पर विरोधी मानसिक विचारों में बुरी तरह उलझ जाता है। विचारों की किसी एक पार्श्व भूमि पर मैं कभी खड़ा नहीं हो पाता। मैं कौन हूं यह स्वयं मैं भी अच्छी तरह नहीं जानता हूं। मेरे हृदय में परस्पर विरोधी भावनाओं का यह विचित्र संघर्ष क्यों है? यह असामंजस्य क्यों है? यह द्वैत कब अद्वैत होगा? मैं ऐसा कर्ण कब बनूंगा जो भीतर बाहर एक ही अखंड हो? एक कर्ण, सबको स्पृहणीय लगने वाला कर्ण, अपने तेज से चमकने वाला कर्ण, अपने वास्तविक स्वरूप को अच्छी तरह जान लेने वाला कर्ण। मेरी ओर अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ मुझको बीच में ही रोक कर वह बोला, कर्ण, चूंकि तुम्हारे कानों में जन्मजात कुंडल है, इसीलिए तुम्हारी परंपरा निश्चय ही अति तेजस्वी और अति प्राचीन होनी चाहिए। लेकिन फिर भी केवल परंपरा का ही निरस गुणगान मत करते रहो, तुम केवल वर्तमान पर अपनी दृष्टि रखो। परंपरा के गर्व से निर्मित होने वाला भविष्य तुम्हारा नहीं, इस कुंठा को पनपने मत दो। उस भय से हाथ में आए वर्तमान को कभी पैरों से मत रौंदो। जिसने एक बार यह विश्वास कर लिया कि जीवन असीम है, वह कभी उदास नहीं होता। वह अपने आत्मविश्वास को कभी लड़खड़ाने नहीं देगा। अज्ञानी और प्रवाह पतीत लोगों का अनुकरण वह कभी नहीं करेगा। वह हल्के फुल्के मनोरंजनों में खो जाएगा, और यदि उनमें रम गया तो फिर वह कितना ही बलवान क्यों न हो, उसकी परंपरा कितनी ही महान और श्रेष्ठ क्यों न हो, वह धूल में मिले बिना नहीं रहेगा। उसकी तथाकथित श्रेष्ठता और परंपरा का नाम तक शेष नहीं रहेगा। संसार के सब लोग उसको अज्ञानी, आत्मवंचित और कर्तव्य विमूढ़ ही कहेंगे।
कोई कभी उसकी गाथा नहीं लिखेगा, किसी ने लिखी भी तो कोई पढ़ेगा नहीं। इसीलिए कर्ण, मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि ऐसे अंतर्द्वंद में तुम यदि अब भी पड़े हुए हो तो तत्काल अपने को संभालो, आत्म परीक्षण कर एक बार अच्छी तरह विचार कर लो कि तुम कौन हो। मुझको विश्वास है कि तुम अकेले ही संसार को दिव्य मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारा अंतर्द्वंद मिट जाएगा तो यह संसार एक दिन निश्चय ही तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगा, इतने महान हो तुम। उसकी आंखें अत्यंत शांत और निश्चल थी। एक अज्ञात अपूर्व तेज उसके गौरपूर्ण गोलाकार चेहरे से अविरत बरस रहा था। मुझको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसकी वाणी में कोई गूढ़ और शाश्वत सत्य भरा हुआ। उसके निरपेक्ष और स्पष्ट परामर्श से उसके प्रति मेरा आदर भाव दुगना हो गया। संसार में मुंह पर स्तुति करने वाले तो बहुत से लोग होते हैं, दोष बताने वाले थोड़े ही होते हैं, मार्गदर्शन करने वाले तो बिरले ही होते हैं। उसके कुछ शब्द मेरे कानों में अविरत गूंजने लगे। तेरी परंपरा तेजस्वी है, वर्तमान पर अपनी दृष्टि रखो, भविष्य की चिंता कर कुंठित मत बनो, संसार को दिव्य संदेश। मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अश्वत्थामन, जो आज तक किसी को नहीं बताया है वह आज तुम्हें बता रहा हूं। मेरा गुरु अन्य कोई नहीं है, धनुर्विद्या के लिए मैंने साक्षात सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया है। उनसे मुझको सदैव दिव्य संदेश प्राप्त होते रहते हैं, मैं स्वयं उनको अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन समस्या यही है कि किसी भाषा में मैं उनसे कुछ नहीं कहता। जब जब कोई असंभावित कृत्य मुझसे संपन्न होता है तब तब वह मेरे गुरु के आदेश से ही होता है। मैंने आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, हम दोनों ने उस तेजो निधि को नमस्कार किया। मेरे कानों में अश्वत्थामा के कुछ शब्द अब भी गूंज रहे थे, काल अखंड है, जीवन असीम है। एक प्रश्न पहले भी अनेक बार मेरे होठों पर आ चुका था लेकिन मैं उसे पूछ नहीं सका था। वह प्रश्न आज पूछने का मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। वह सदा अपने सिर पर धवल वस्त्र की एक पट्टी लपेटकर उसकी गांठ हनु के नीचे बांधा करता था। उसके सिर पर कोई घाव तो नहीं था, यह संदेह मुझको बार बार हुआ था। अंत में अर्घदान कर लौटते समय मैंने उससे पूछ लिया, अश्वत्थामन, तुम अपना सिर सदैव आच्छादित क्यों रखते हो? सूर्य किरणों से कष्ट होता है क्या इसीलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि गंगा का पात्र और सूर्य किरण, इनके प्रति मेरे मन में अद्भुत आकर्षण है। लेकिन मैं सिर पर वस्त्र का आवरण क्यों डाले रहता हूं या आज नहीं, समय आने पर तुमको अवश्य बताऊंगा, निश्चय ही बताऊंगा। नदी किनारे से हम राजभवन आए। अश्वत्थामा युद्धशाला की ओर चला गया। भवन में पहुंचते ही मुझको एक महत्वपूर्ण समाचार सुनने को मिला। मथुरा के यादव राज का कंस का उसी के भांजे कृष्ण ने वध कर दिया था। कंस बड़ा ही अन्यायी था, उसने श्री कृष्ण के साथ सुकुमार भाइयों को शिला पर पटक कर जान से मार दिया था। वास्तव में स्वार्थी मनुष्य सद्प्रसूता बाघिन जैसा होता है। वह बाघिन पेट में भूख की आग लगी होने के कारण अपने ही सद्योजात सुकुमार शिशुओं को खाकर अपनी भूख शांत करती है। स्वार्थी मनुष्य भी ऐसा ही होता है, अपने स्वार्थ के आगे औरों की बलि देते समय वह अपना पराया बिल्कुल नहीं देखता। कंस भी ऐसा ही स्वार्थी था, उसने जो जो अन्याय किए थे उनका सविस्तार वर्णन प्रतिदिन राजभवन में दूतों द्वारा हम सुनते रहते थे। उसने अपने सुकोमल भांजों के नवनीत जैसे मृदुल मृदुल सिर शिला पर पटक कर फोड़ दिए थे। उसकी राक्षसी वृत्ति इस सीमा तक पहुंच गई थी कि उसके अन्यायपूर्ण उन्मत्त आचरण से समस्त मथुरा के नगरजन संत्रस्त थे। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। छाती में मुक्के मार मार कर उसने मामा को धराशायी कर दिया। अन्याय का अंत सदा इसी प्रकार होता है। कीर्तिमान,
सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन और भद्र अपने इन सगे भाइयों के वध का श्री कृष्ण ने अंत में भयंकर प्रतिशोध ले लिया। श्री कृष्ण के संबंध में मैंने बहुत से लोगों से बहुत सी बातें सुनी हैं। कोई उनको व्यंग से ग्वाले का लड़का बताता है तो कोई उसको राधा ग्वालिन का सखा कहता है। कुछ लोग उसको सुदामा नामक दीन ब्राह्मण का प्राण प्रिय मित्र बताते हैं तो कुछ उसको केवल मुरली वाला ही कहते हैं। मैंने उसको एक बार भी प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन उसको देखने की दुर्निर्वार इच्छा अवश्य थी। पांडवों का ममेरा भाई होने के कारण वह कभी न कभी तो हस्तिनापुर में आएगा ही। उससे मिलने के बाद तथा दो चार बातें कर लेने के बाद ही उसके संबंध में मैं अपना निश्चित मत बना सकता था। अनेक लोगों की दृष्टि को वह भिन्न भिन्न रूपों में भले ही दिखाई दिया हो, लेकिन मुझको तो वह यादवों का एक सामर्थ्यवान आदर्श राजा ही लगता है। अन्याय से चिढ़ने वाला, समाज को अन्याय के चंगुल से छुड़ाने वाला और सर्वसाधारण श्रमिक जनों में तुरंत घुल मिल जाने वाला। अपने अत्याचारी मामा का सबके सामने वध करके भी उसके राज्य का लोभ न करके उसके ही पिता को, उग्रसेन को, राज सिंहासन पर बैठाने वाला। ऐसे त्यागी वीर को प्रजा भी चाहेगी ही, क्योंकि यद्यपि राजा उग्रसेन ही था तथापि लौकिक अर्थ में मथुरा की संकटग्रस्त प्रजा ने अपने राज्य का राजदंड वास्तव में श्री कृष्ण के ही हाथ में दे दिया है। मथुरा का पत्ता तक भी श्री कृष्ण के संकेत के बिना हिल नहीं सकता था। धन्यवाद।